बेतियाहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रविवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती विचार गोष्ठी के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, संचालन जिला महासचिव जवाहरलाल मौर्य ने किया। कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया, बाबा साहब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हम उनको नमन करते हैं। बाबा साहब ने मनुष्यता में गैर बराबरी को दूर करने के लिए इस देश को संविधान देने का काम किया। कार्यक्रम में रामनाथ यादव, रामजतन यादव, जवाहर यादव, हाजी शकील अंसारी, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, रूपावती बेलदार, सुशीला भारती, सुनील यादव, विजय शंकर यादव, अभिमन्यु यादव, मैना भाई, नमिता सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, करोड़ों बेजुबानों के जुबान भारत रत्न संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती है 14 अप्रैल। आज पूरे देश में बाबा साहब को मानने वाले दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों में बहुत बड़ा उत्साह है। बाबा साहब इस धरती पर आ करके जो गैर बराबरी थी मनुष्यता में, उस गैर बराबरी को दूर करने के लिए बाबा साहब ने जो संविधान इस देश को देने का काम किया, जिससे हम लोग और ये देश संचालित हो रहा है, हम लोग बाबा साहब के उन आदर्शों को नमन करने के लिए उनके जन्म दिवस पर यहाँ श्रद्धा पुष्प अर्पित किए।